सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच के लिए सीएफएसएल की टीम मुंबई आई थी। अब उसी सीएफएसएल टीम के एक शख्स का बयान मैं आपको सुनाती हूँ। अमितोष कुमार है इनका नाम, अमितेश कुमार। इनका इंटरव्यू किया गया और हिडन कैमरे पर इनका इंटरव्यू हुआ है और इनसे पूछा गया कि सर आप मुंबई गए थे ना सुशांत के घर, हमने आपको देखा था, छत पर भी गए थे आप, आपने जो है पूरा का पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं एक नहीं बल्कि दो बार गया था। अच्छा आप डमी भी लेकर गए थे? तो उन्होंने बताया हाँ हम डमी वमी सब लेकर गए थे। तो आपको क्या लगता है सुशांत केस में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा हिडन कैमरा पे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसका गला घोटा है और मुझे लगता है कि वो जो है उसका कोई गला नहीं घोट सकता है, वो सुसाइड ही केस लग रहा है। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने बोला ये पूरा का पूरा केस खिचड़ी बनाकर रख दिया है, कहाँ से शुरू हुआ था और पूरा केस पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ फाइंडिंग। फिर उनसे फिर से पूछा गया तो यानी कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया कुछ भी जो है हम कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मिला नहीं है अभी तक और मर्डर जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली बोलेगा जबरदस्ती, लेकिन हम कोर्ट में प्रूव कैसे करेंगे? मतलब जबरदस्ती आप किसी को नहीं कह सकते ना कि मर्डर हुआ है। उन्होंने ये कहा मीडिया जो है मर्डर मर्डर कर रहा है, लेकिन जो है कोर्ट में हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर है, ऐसा कुछ अभी तक तो लगा नहीं है। तो लेकिन उनसे पूछा गया कि बेड की जो बेड और सीलिंग की जो है ऊंचाई बहुत कम थी, तो ऐसे में क्या कोई लटक सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लटक सकता है, वो हम लोगों ने देखा, उसमें कोई वो नहीं है, लटका जा सकता है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि तो आपको नहीं लगता है क्या कोई फॉल प्ले? तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे तो नहीं लगता, अभी तक कुछ कंफर्म फिर भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं मिला और सबसे बड़ी बात कोर्ट में सबूत देने होते हैं, आप साबित कैसे करेंगे ये मर्डर है? तो ये जो है उस सीएफएसएल टीम के शख्स हैं जो मुंबई आए थे और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट किया था। ये स्टिंग ऑपरेशन जो है वो आज तक ने किया है और जब अमितेश कुमार से ये सारे सवाल किए जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता था कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें बताई है। लेकिन आज ही सुशांत केस में एक रिपोर्ट सौंपी गई, खबरें आई कि सीबीआई टीम जो है होमिसाइड एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है, या तो 306 लगाया जाएगा या 302 लगाया जाएगा, यानी कि हत्या के लिए उकसाया गया है और दूसरा चार्ज है कि हत्या की गई है। ऐसे में इस तरह का बयान जो है क्या सुशांत फैंस को डीमोटिवेट करने के लिए है? क्यों इस तरह का बयान जो है अभी सामने आया है? हालांकि ये खुद जो सीएफएसएल टीम के शख्स हैं, सदस्य हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जो है कंफर्म तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है और जो है पीएम रिपोर्ट में भी ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई और जहाँ तक हाइट की बात है उन्होंने कहा कि नहीं लटकाया जा सकता है। तो ये जो है खबर अब सामने आई है और क्या इस तरह की सेंट्रल एजेंसीज के जो लोग हैं वो मीडिया से इस तरह से बात करके डिटेल रिवील कर सकते हैं? क्या इस डिटेल पर किसी तरह की कार्यवाही होगी? इससे पहले भी आपको याद होगा दो बार खबरें आई, एक बार कि जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें ये आया कि ये पार्शल हैंगिंग है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि वो रिपोर्ट सही नहीं थी। एक बार पहले भी आया था जिसमें यह आया था कि सीबीआई जो है उन्होंने ये मान लिया है कि ये मर्डर है ही नहीं, सुसाइड है। सीबीआई का स्टेटमेंट आ गया था कि हम इस तरह की कभी कोई स्टेटमेंट या अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको लीक नहीं करते हैं। और अब सीएफएसएल के इस शख्स का बयान आया है, तो इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है? आज ही जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई 302 का केस फाइल करे, यानी हत्या का केस फाइल करे, और ये सुशांत के सभी फैंस की सपोर्टर्स की मांग है। और उसी समय इस तरह का एक खबर आती है, एक इंटरव्यू आता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।